मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट जो मैंने एक नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, ये डॉक्यूमेंट मैं 3 से 5 लोगों को या आप सबको भेज सकूँ। मीन्स एक ही डॉक्यूमेंट बनाऊँ, उसमें आप सबका सिर्फ नाम लिखूँ और ये आपको मेल चली जाए या आपको डॉक्यूमेंट पोस्ट हो जाए, प्रिंटर से स्किप कॉपियाँ निकल आए। मैं यहाँ पर एक लेटर लिख लेता हूँ, सो ऑन, ऊपर बेसिक सी डमी से डाटा लिखता हूँ और इसको सेंटर कर लेता हूँ और इधर नीचे जाके लिख देता हूँ डियर। इधर मैंने आपके नाम DEAR, ओके, यहाँ मैंने आपके नाम लिखने हैं और उसके नीचे मैं जाके कहता हूँ कि 2.5, थोड़ा सा टेक्स्ट लिख लिया, 2-5 जुमलों का टेक्स्ट लिख लिया है और इधर मैं कहता हूँ रिगार्ड्स थर्शा, कंट्रोल आर कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ गया मैंने, इधर आपका डियर मिस और आगे नेम या मिस्टर और उसका आगे नेम जो है वो लिखना है। ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है, ये डॉक्यूमेंट मैं आप सबको भेजना चाहता हूँ। ठीक, मैंने ये किया, ऑप्शन यूज़ की मेलिंग की। मेलिंग के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं आपको ना एक तरीका बताता हूँ। जब भी आपको ऐसा होना, आपने 6 स्टेप्स हैं वो परफॉर्म करने हैं और उसके बाद आपकी ऑप्शंस ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएंगी। ये पूरा आपको अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये इस पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, देखिए, मैंने क्लिक किया स्टार्ट मेल मर्ज, ऑप्शन मैंने चूज़ की स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजिट। ठीक, उसके बाद आप क्या बनाना चाह रहे हैं, यू वॉन्ट टू मेक लेटर, ई मेल करना चाह रहे हैं, इनवेलप लिफाफों के ऊपर प्रिंट करना चाह रहे हैं, कोई लेबल स्टिकर सा बनाना चाह रहे हैं या डायरेक्टरी, आप डायरेक्टरी बनाना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ फिलहाल मैं लेटर बनाना चाहता हूँ, मैंने लेटर सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करना है। स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, बने बनाए कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ना डॉक्यूमेंट होते हैं, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, या आप किसी पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ जी, मैं इसी डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, नेक्स्ट कर दिया। तीसरा स्टेप, सेलेक्ट रेसिपिएंट, किन लोगों को भेजना है। पहले से कोई बनी हुई लिस्ट है, अगर आपके रिकॉर्ड मेरे पास पहले ही एंटर हुए होंगे तो मैं वो लिस्ट इस्तेमाल कर लूँगा, लेकिन मैं नई टाइप करना चाहता हूँ। न्यू लिस्ट कैसे बनाते हैं, क्रिएट पे क्लिक किया। अब ये काफ़ी ज़्यादा इसमें फील्ड्स आ रहे हैं, मैं इसके बाकी फील्ड जो है वो रिमूव कर देता हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए। जो आपको नहीं चाहिए वो आप यहाँ से जाके रिमूव कर दें। रिमूव करते हुए अचानक मुझे पता चला सारे रिमूव करनी है, तो जो बनाने ऐड करवा लें। ऐड मुझे क्या चाहिए, टाइटल, ओके, और मुझे चाहिए नेम या फर्स्ट नेम। ठीक है, मैंने ओके कर दिया। अगर आप इसको बाद में ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं, मूव अप मूव डाउन कर सकते हैं, रीनेम करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। मैंने ओके किया, ये दोनों फील्ड आ गए। अब यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। एम एस जी, मिस आपका नाम, सदफेस से DEF, ओके, वी हैव न्यू एंट्री। ठीक है, अगेन एम एस, मैं दो फीमेल्स के नाम लिखूंगा, जी मिस सोमिया, SOMIA, ओके। नेक्स्ट आपका नाम, मिस्टर मजर, MAZ, HAR मजर, एंड वी हैव मिस्टर FUR SHA खुशाद, ओके। तो ये मैंने नाम लिख दिए, ओके कर दिया। अब ये मेरी लिस्ट को पूछा सेव कहाँ करनी है, लिस्ट कहाँ पे सेव करनी है, जो भी 4 नाम आपने लिखे हैं। मैंने कहा डेस्कटॉप पर माय लिस्ट के नाम से इसको सेव कर दो। अब ये देखिए, सारों को लेटर भेजना है, अगर सारों को भेजना है तो सारों की ऑप्शन ऑन कर देंगे, नहीं भेजना आपकी मर्जी है, मैं सबको भेजना चाहता हूँ। ये लिस्ट है जो सेव हुई है, आपको कल को याद आया, नहीं, इस पर तो चेंजिंग करनी थी, एडिट कर दें आप, दोबारा नए और नाम भी ऐड कर सकते हैं, किसी को डिलीट करना चाहते हैं वो रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट एंट्री, कोई रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है अगर तो फाइंड भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ से आगे गया, मेरे पास फिल्टर की ऑप्शन है, मैं कहता हूँ उन लोगों के नाम जो जिनका जो है ना वो टाइटल जो है वो इक्वल है MS के, ओके। अब देखिए, सर फीमेल्स को लेटर जाएंगे, अगर मेल करेंगे तो मिस्टर करेंगे तो मेल्स को जाएंगे, तो प्योरीफाई आप यहाँ से कर सकते हैं।
ठीक है, फाइंड रेसिपेंट, आप रेसिपेंट फाइंड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल चाहता हूँ कि सारों को आ जाए, तो ओके किया, डू यू वॉन्ट ये, डू यू वॉन्ट टू अपडेट, येस। और यहाँ से हम इसको फ़िल्टर नहीं करते, फ़िल्टर में हम कह देते हैं फ़िल्टर ख़त्म कर दें, ओके करेंगे तो आपके सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है जी, चलें ये भी हो गया। बाकी आगे सर्च आउट है वो आप किस स्पेसिफिक को भेजना चाहते हैं, वो जिनका रिजल्ट जो है इतने से कम है, वो जिनका रिजल्ट इतने से ज़्यादा है, वो जिनकी सैलरी इतने से कम है, वो इनकी सैलरी इतने ज़्यादा है, ये आप खुद देखेंगे। ओके कर दिया जी मैंने, आ गया। सिलेक्ट अ डिफरेंट लिस्ट, कोई और लिस्ट लेनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, मैंने यही ले लिया, ठीक है। राइट योर लेटर, लेटर लिखा हुआ है, अब इसमें लिखना कहाँ पे टाइटल, मोर आइटम्स सामने देखिएगा, मोर आइटम्स में गया, यहाँ पर मैंने इंसर्ट करवाया, ये मिस्टर टाइटल आ गया। टाइटल के बाद मैं चाहता हूँ फुल स्टॉप, मैंने लगाया फुल स्टॉप और फिर स्पेस, उसके बाद मोर आइटम्स में जाके मैंने कह दिया नेम इंसर्ट, अब ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैंने कहा प्रीव्यू योर लेटर, देखें ये मिस सदफ का लेटर है, ये सोमिया का लेटर है, ये मजहर का लेटर है, ये फुरशाद का लेटर है, क्लियर है जी सबको। तो इस तरह आपके लेटर तैयार हो गए, मैंने कहा कंप्लीट द मर्ज। अगर आप थोड़ी बहुत चेंज करना चाहते हैं तो एडिट इंडिविजुअल लेटर्स करें, ऑल आप स्पेसिफिक भी ले सकते थे। अब देखें ये सदफ का लेटर, ये सोमिया का लेटर, ये मजहर का लेटर और ये फुरशाद का लेटर। अगर 5,000 भी होते ना तो इस ऑप्शन के साथ सारी की सारी सेटिंग्स मैंने कर ली थी। तो ये थी आपकी मेल मर्ज, डॉक्यूमेंट आपका तैयार हो चुका है, मुझे फ़िलहाल ये नहीं चाहिए, मैंने इसको बंद कर दिया, मुझे यही यूज़ करना है। देखें आप स्टडी करना चाहते हैं कौन कौन से हैं, देखें पीछे करें, ये देखें ये आपकी नेविगेशन है, प्रीव्यू योर लेटर, अभी जो हमने पाँचवा स्टेप देखा था, प्रीवियस स्टेप पे जाना है, फिनिश करनी है मर्ज, यहाँ देखें इनवेलप लेना है, लेबल लेना है, किन लोगों को भेजना है, यानी वो जो तमाम स्टेप्स अभी हमने परफॉर्म किए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आपको अवेलेबल नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, फिनिश दी मर्ज और प्रिंट की कमांड भेजी, ओके कर दिया, वो देखिए पेज सेटअप आ गया, प्रिंट प्रीव्यू आ गया, सॉरी ओके किया। अब देखिएगा यहाँ पे ये एक नई ऑप्शन आ गई है, ये प्रिंटर की, ये बता रहा है कि अब कितने पेजेस प्रिंटर को चले गए, 4, यानी जब मैं प्रिंट भेजूंगा तो इस तरह होगा, किसने भेजे हैं, अथर ने भेजे हैं, प्रिंटिंग करना चाह रहा है वो, और ये इसकी सेटिंग है, डेट कौन सी पोर्ट पे उसने भेजा है। मैं कहता हूँ कैंसिल करनी है प्रिंटिंग, राइट क्लिक करें, 4 ऑप्शंस नज़र आती हैं, वक्ती तौर पे प्रिंटिंग रोक सकता हूँ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, ठीक है, रीस्टार्ट, आप प्रिंटिंग ख़त्म करके प्रिंटर को रीस्टार्ट के प्रिंटिंग सेटिंग कर लें। मैंने कहा नहीं, ये प्रिंटिंग मुझे पसंद ही नहीं है, कैंसिल कर दें। इसकी डिटेल देखना चाह रहे हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। मैंने कहा फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, मैंने कैंसिल किया, यस, अब आपकी वो प्रिंटिंग यहाँ से डिलीट हो रही है। याद रखिए जब तक ये निशान आ रहा होगा आप प्रिंटर में पेपर लगाएंगे वो प्रिंट निकालता रहेगा, ठीक है, तो प्रिंट निकालते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये थी जी आपकी मेल मर्ज ऑप्शन, जिसकी मदद से मैंने आपको मेल करना जो है वो सिखा दी है।